हाय फ्रेंड, नाइट एन एज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कि इंडस्ट्री में जो है जो टाइल्स कैसे बनता है, उसको पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक हम आपको अच्छे से समझाएंगे और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे भी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे कि हम आप लोग से कोई भी है, अपने मकान को जो बनाता है तो बनवाता है, तो उसको टाइल्स की जरूरत होती है। तो टाइल्स एक्चुअल में इंडस्ट्री में बनता कैसे है, उसको हम आज सीखेंगे कैसे बनता है। तो टाइल्स बनाने के लिए जनरली कुछ पदार्थ जरूरत होती है, जैसे कि पदार्थों की जरूरत होती है, जैसे मिट्टी होता है, क्ले होता है, ठीक है। कौन कौन से पदार्थों की जरूरत होती है उनके बारे में हम देखते हैं कि ये देख सकते हैं, जैसे कच्चे पदार्थ है, रॉ मटेरियल्स हैं, जिससे क्या है कि टाइल्स बनता है। जो टाइल्स हमारे घरों में मकानों में यूज होता है, उससे वो टाइल्स वो बन के रेडी होता है। तो टाइल्स में बनाने के लिए मेन मेन मटेरियल कौन से होते हैं, जैसे मेन मेन मटेरियल होता है आपकी एक ट्राइएक्सियल बॉडी होती है, ठीक है। ये तीन कोणमिति बॉडी होती है, जैसे आपको चाहिए मिट्टी, ठीक है, सॉरी इस यहाँ बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपकी एक कोण होता है, तीन मटेरियल जो मेन मेन होता है, क्ले, क्ले को क्या हम बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका क्वार्ट्ज, इसे क्या बोलते हैं हम हिंदी में, क्या बोलते हैं आपको, बालू, ठीक है। दूसरा होता है, तीसरा होता है आपका फेल्सपार, इसे हम बोलते हैं फेल्सपार, ठीक है। तो ये मटेरियल होते हैं, किसी भी टाइल इंडस्ट्री में हो या सैनिटरी वेयर इंडस्ट्री में हो, कहीं पर भी हो, तो ये जो मटेरियल होते हैं मुख्य होते हैं। इनके द्वारा ही जो टाइल्स बनता है, या भी जो भी मिट्टी के पात्र बनाए जाते हैं, तो इनके द्वारा ही ये पात्र को बनाया जाता है, ठीक है। तो इन मटेरियल की आवश्यकता होती है। अब ये मटेरियल मिलते कहाँ से, जनरली जो ये मटेरियल्स होते हैं, जैसे मिट्टी हुई, तीन चार तरीके से मिट्टी होती है, प्लास्टिक के लिए होती है, जिसमें लचीलापन, नॉन प्लास्टिक के लिए, कई तरीके से मिट्टी होती है जो कि टाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो प्राप्त कहाँ से किया जाता है, ठीक है। तो वो जनरली क्या है, खदानों से प्राप्त किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये खदान है, क्या है, ये खदान है। यहाँ पर क्या है, मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी को ही लाके यहाँ पर रखा, इकट्ठा किया गया, ढेर किया गया है, ठीक है। कलर्स में थोड़ा चेंजेस है क्योंकि इमेज अलग अलग है, तो इसलिए हम इसको अलग तरीके से भी हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी क्या है, मिट्टी को लाने के लिए हम कहाँ से प्राप्त करते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए इसको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मिट्टी कहाँ से प्राप्त होती है, किस टाइप की होती है और किस तरीके से वो प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये खदान है। अब यहाँ से मिट्टी को लाना है, जो ये मिट्टी है, जैसे हमने मिट्टी का बोल दिया, या ये फेल्सपार भी हो सकता है, ये आपका बालू भी हो सकता है, बालू जो नदियों से है या कहीं चट्टानों से है, जहाँ से उसको लाया जाता है। तो वहाँ पर क्या कहता है, चट्टाने बहुत ठोस रूप में होती हैं, बहुत कठोर होती हैं, उनको तोड़ना आसान नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, ब्लास्टिंग किया जाता है, मतलब कि उस पर विस्फोट किया जाता है। विस्फोट करने से क्या है, यहाँ के जैसे ये फिगर आप देख सकते हैं, अभी हम वीडियो में दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से विस्फोट करके वहाँ से रॉ मटेरियल्स को प्राप्त किया जाता है। जैसे यहाँ से देख सकते हैं, ये साधारण सा ये मिट्टी है, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये तो जेसीबी के द्वारा खुदाई करके इसको यहाँ से उठा के वहाँ ले जा सकते हैं, या तो आप क्या करें कि इसमें विस्फोट करा दें, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बम टाइप से इसके अंदर डाल देते हैं। डालने पर क्या होता है, जब विस्फोट होता है इसमें, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे कि देख सकते हैं, इसी का ये फिगर है, आप देख सकते हैं, अच्छे से आप समझ सकते हैं कि इस अभी तो ये नॉर्मल तरीके से है, लेकिन ये विस्फोट होने के बाद ये ऐसा हुआ। इसको वीडियो में समझेंगे तो और अच्छे से आप समझ में आ जाएंगे, नॉर्मल तरीके से। अब ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं विस्फोट हो रहा है, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक तरीके से ये विस्फोट होने से क्या होता है, मिट्टी हमें प्राप्त होता है, ये विस्फोट विस्फोट हो रहा है, जिसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा, मिट्टी प्राप्त होगा, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे, आई होप दैट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो था, ये था क्या, ये नॉर्मल चीज था, ये क्या था, ये आपका नॉर्मल था, नॉर्मल था, मतलब ये अच्छे से चट्टान है और खदान है। अब इस खदान से हमें तोड़ना है, जैसे ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये तोड़, ये नॉर्मल है। अब जब यहाँ पर जैसे ये विस्फोट करने के बाद इस तरीके से हमें मिट्टी प्राप्त हो जाती है, प्राप्त होते हैं, या जो फेल्सपार कैसे प्राप्त होता है, या सिल्का कैसे, बालू कैसे प्राप्त होता है, ये प्राप्त करने की प्रोसेस है कि उसकी खुदाई करते हैं जेसीबी के द्वारा, या दो तीन प्रोसेस को आप देख सकते हैं, ये तो ये प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये देख रहे हैं, अभी ये नॉर्मल था, देख रहे हैं, ये विस्फोट होता है। विस्फोट होने पर इसको फिर हम लोडर में फिट करके बल्दी के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, विस्फोट, इसके द्वारा क्या है, अब ये भी देख सकते हैं, ये नॉर्मल चीज है, ये क्या है, ये नॉर्मल दूसरा तरीका क्या है, यदि या विस्फोट करा दीजिए, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यदि जेसीबी के द्वारा आप, ठीक है, इस जैसे दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, या तो आप स्वयं लेके जाइए, या तो आप स्वयं लेके जाइए। पहला प्रोसेस क्या था, विस्फोट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता था, विस्फोट के द्वारा। दूसरा क्या है, जेसीबी के द्वारा खुदाई करके ले जा सकते हैं। तो ये दो प्रोसेस के द्वारा क्या है, चट्टानों से मिट्टी को प्राप्त करने के, मिट्टी हो या बालू हो, कोई भी हो, मिट्टी है
जो मेन मटेरियल हमें मतलब मिट्टी, बालू या फेस्फार है, तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ये दो विधियां हैं, पहला विस्फोट के द्वारा, दूसरा क्या है जेसीबी के द्वारा, खुदाई के द्वारा, और इसको ये लोडर में लोड कर दिया जाता है, उसके बाद हम लेके चले जाते हैं। तो दो दो विधियां आपको समझ में आ गई होंगी आशा करता हूँ, कि ये जो मिट्टी है ये जो प्राप्त हुआ है वो किस तरीके से प्राप्त हुआ है, पहला है विस्फोट के द्वारा, दूसरा है क्या है जेसीबी के द्वारा, खदानों के द्वारा हम इसको रॉ मटेरियल्स को प्राप्त कर सकते हैं। रॉ मटेरियल के जो मेन तीन तीन जो मेन मटेरियल्स हैं जिनसे टाइल्स बनता है वो आप ध्यान में रख लीजिए, मिट्टी होता होना चाहिए और जो बालू होना चाहिए, तो तीसरा आपका फेस्पार होना चाहिए। अब मिट्टी क्या करता है, मिट्टी क्या है, पूरी बॉडी को बनाता है। कोई भी आप टाइल्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा उसमें क्या दिखाई देगा, मिट्टी दिखाई देगा। कोई भी टाइल्स आप देखेंगे सबसे ज्यादा उसमें क्या दिखाई देगा, मिट्टी। तो मिट्टी क्या है, पूरी बॉडी को तैयार करता है, पूरा जो उसका टाइल्स को बनाने में तैयार करता है। तो मिट्टी क्या है, जैसे कि हम तीन एग्जाम्पल हमारे कॉलेज में भी हमेशा देते रहते हैं कि जो तीन चीजें हैं, जैसे हमारे शरीर है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा आपको क्या दिखाई देगा, हमारे शरीर में आपको दिखाई देगा मांस, है ना, मांस, मसल्स जो होते हैं मांस सबसे ज्यादा दिखाई देता है। उसी तरीके से जो टाइल्स होती है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका मिट्टी होता है, क्या होता है आपका मिट्टी होता है। दूसरा क्या है, अब मिट्टी क्या है, मिट्टी से जैसे कि मांस है, मांस से हमारा शरीर पूरे मांस से बना हुआ है। अब उस मांस को पकड़ के रखने के लिए, उसमें मजबूती लाने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, हमारे शरीर को मजबूत रखने में हमें अच्छे से खड़ा होने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है बोन्स की, हड्डियों की। किसकी जरूरत होती है, हड्डी की, है ना, बोन्स की जरूरत होती है, यानी हड्डी की जरूरत होती है, ठीक है, हड्डी की जरूरत। अब ये जो हड्डी की जरूरत हमारे शरीर में जिस तरह प्रकार से होती है, उसी प्रकार से जो बालू होता है उसको टाइल्स में जरूरत होती है। कोई भी मिट्टी के पात्र होते हैं उसमें बालू की आवश्यकता होती है। बालू क्या है, उसमें क्या है, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, उसको पकड़ के रखता है, ठीक है। जैसे मिट्टी क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर को पकड़ के रखने के लिए एक आकार देता है, उस आकार को बनाए रखने के लिए उसमें क्या चाहिए, बालू चाहिए। जैसे हमारे शरीर को खड़ा होने के लिए, हमारे शरीर को पूरे भार को सहन करने के लिए एक हड्डी की जरूरत है। मान लीजिए आपका पैर टूट जाए तो आप उस खड़े नहीं हो सकते, मांस कहीं नहीं जाता है लेकिन हड्डी टूट जाती है। हड्डी टूट जाने के कारण क्या है कि आप खड़े नहीं हो सकते। तो हम हमारा जो वेट है, हमारा जो शरीर का वजन है वो किस पे डिपेंड करता है, जो हड्डी पे डिपेंड करता है। तो हड्डी क्या करता है, ये मजबूती प्रदान करता है। उसी तरीके से जो बालू होता है वो क्या करता है, एक मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा फेस्फार क्या है, अब जैसे हमारे शरीर में क्या है, ब्लड की जरूरत होती है, खून। यदि आपके पास हड्डी हो, मांस हो और आपके बॉडी के अंदर खून नहीं है, ब्लड नहीं है, खून इससे, ठीक है, खून नहीं है, नहीं ब्लड, ब्लड नहीं है तो आप जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। तो आप चाहे मांस मांस ही मांस हो, हड्डी ही हड्डी हो, एक हड्डी टूट जाएगी तभी आप जीवित रह सकते हैं, एक मांस थोड़ा सा मांस कट जाएगा तभी आप जीवित रह सकते हैं। यदि बॉडी में आपके क्या हो जाएगा, यदि ब्लड की कमी हो जाएगी तो आप जीवित नहीं रह सकते। उसी तरीके से क्या है, कोई भी टाइल्स है उसमें यदि यदि उसमें क्या क्या नहीं होगा, यदि उसमें फेस्फार नहीं होगा जो उसमें जान डालता है, किसी भी जो मिट्टी से पात्र जो भी बनाए जाते हैं उसमें फेस्फार की आवश्यकता होती है, वो उस बॉडी में जान डालता है, उस पात्र में क्या जाता है, वो जान डालता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये रॉ मटेरियल्स का उपयोगिता क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे, नेक्स्ट क्या है कि अब हम जो रॉ मटेरियल्स को ले आए उसको हम रखेंगे कहाँ, जैसे उधर स्टोर किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बैच हाउस बोलते हैं, बैच हाउस, यानी पदार्थ को रखने का घर, पदार्थ को रखने का एक घर होता है, पदार्थ को रखने का घर होता है। अब जैसे ये दीवार उठी रहती है, जैसे इसमें हमने क्या रख दिया, इसमें हमने बालू रख दिया, इसमें हमने मिट्टी को रख दिया, ठीक है, इसमें हमने फेस्वार को रख दिया, इसमें हमने अदर मटेरियल को रख दिया, तो एक सेपरेट जगह पे जहां पे रखा जाता है उसको बोलते हैं पदार्थ को रखने वाला स्थान, या बैच को स्थान, बैच को रखने वाला जो स्थान होता है, घर होता है, उसको हम बैच हाउस बोलते हैं। यहाँ पर मटेरियल को रखा जाता है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं वाहक, वाहक या कन्वेयर, कन्वेयर। कन्वेयर मीन्स क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल से पाउडर्स है या कोई भी पात्र है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस भी इक्विपमेंट का यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेयर बोलते हैं या वाहक बोलते हैं। हिंदी में वाहक बोलते हैं और इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, कन्वेयर कहा जाता है, ठीक है। तो इस कन्वेयर के द्वारा जो भी पाउडर है, जो भी मिट्टी है, जो भी बालू है या कांच है, जो भी बालू है या फेस्वार है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कन्वेयर। और एक कन्वेयर किस टाइप का है, ये बेल्ट कन्वेयर है। कैसा कन्वेयर है, बेल्ट कन्वेयर, ठीक। तो ये बेल्ट कन्वेयर है। अब ये बेल्ट कन्वेयर के द्वारा हम कहाँ मटेरियल को ले जाएंगे, बाल मिल में जाएंगे जहां पर ग्राइंडिंग की जाती है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अब बाल मिल का काम क्या है कि जो
इससे पहले हम कर्सिंग भी करते हैं। कर्सिंग करने के लिए जब यदि बड़ा साइज होता है तो उसको छोटे साइज में तोड़ने के लिए हम कर्सर का यूज करते हैं, जा कर्सर, जेरेट्री कर्सर, कोन कर्सर, इस टाइप से कर्सर का यूज करते हैं। यदि पाउडर फॉर्म में है तब तो उसको हम अच्छे से मिक्सिंग करने के लिए और अच्छे से उसको पिसाई करने के लिए और उसको मिक्सिंग और पिसाई के एक साथ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बाल मिल यूज करते हैं। इसको क्या बोलता है, बोलते हैं बाल मिल। अब बाल मिल के ऊपर एक होल्स होता है जहां से उसको मटेरियल को फीड किया जाता है, ठीक है, फीड किया जाता है। इसमें क्या है, आधे पार्ट को खाली रखा जाता है और उस पे आधे पार्ट को मटेरियल और प्लस वाटर है, कंपोजिशन है, जो भी कंपोजिशन है उसको रखा जाता है, और इसमें छोटे छोटे बाल्स डाला जाता है, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर के बाल, चकमक पत्थर के बाल्स डाले जाते हैं, हार्ड पोर्सलिन के बाल डाले जाते हैं, जिससे क्या है वो उस बाल के द्वारा इसकी पिसाई की जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, बाल मिल बोलते हैं। ये देखिए, ये बाल मिल है, ठीक है। उसी तरीके से ये कई सारी बाल मिल लगी होती है, ठीक है, आपका स्प्रे ड्रायर, हाई कैपेसिटी स्प्रे ड्रायर रहता है, जो वहां पर सलरी तैयार होती है, कहां पर, बाल मिल में, बाल मिल में, ठीक है, बाल मिल में जो सलरी घोल तैयार होता है उसको हम पाइप के द्वारा, ये पाइप देख सकते हैं यहाँ पे, जो पाइप के द्वारा उस घोल को लाते हैं। घोल कैसा होता है, क्योंकि उसमें पानी, जैसे आप शरबत देखे होंगे, शरबत टाइप से उसको लेके आ जाता है, पानी प्लस और उसमें जो कंपोजिशन होता है उसको लाके उसमें एक घोल शरबत बन जाता है। उस घोल को हम लाते हैं यहाँ पर क्या, स्प्रे ड्रायर में। कहाँ पे लाते हैं, स्प्रे ड्रायर में, इसे एटोमाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्प्रे ड्रायर में क्या होता है, ये बर्नर टाइप से लगे होते हैं और वहां से सलरी गिरती है। तो यहाँ से जो हॉट एयर, गर्म हवा, इन गर्म हवा पास किया जाता है और वहां से ये घोल होता है, सर्वर टाइप से घोल सॉल्यूशन होता है, वो नीचे गिरता है। नीचे गिरने पर जब गर्म हवा के संपर्क में आता है तो ये छोटे छोटे पाउडर, भंगुर पाउडर के रूप में वो बिखर जाता है, छोटे छोटे भंगुर पाउडर के रूप में ये बिखर जाता है, जिससे जिसको हम क्या करते हैं कि उसका उसके उस पाउडर को ग्रेन्स रूप में होता है, ठीक है। तो कैसा होता है, वो इस तरीके से ग्रेन्स रूप में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से पानी नहीं निकल पाता, मॉइस्चर पूरी तरीके से नहीं निकल पाता है, वो ग्रेन्स रूप में हो जाता है, उसमें थोड़ी बहुत नमी मौजूद होती है, जिससे क्या उसकी पैकिंग डेंसिटी, मतलब वो उसकी पकड़ जो होती है वो अच्छे से होती है। आप देख सकते हैं कि आप सूखे लड्डू, आप यदि चावल के लड्डू बना रहे हैं, अगर सूखा होता है तो उसमें नहीं, उसका आकार नहीं बन पाता। यदि उसमें थोड़ी सी हम चाशनी मिला लेते हैं, थोड़ा सा कुछ यदि लिक्विड फॉर्म में मिला लेते हैं, कुछ पानी जैसा, द्रव जैसा कुछ मिला लेते हैं, जिससे उसको आकार आ जाता है, तो उसका अच्छे से पकड़ बन जाती है, उसमें वो क्या है चिपकने का गुण दे देता है। उसी तरीके से क्या है, इसमें थोड़ी बहुत नमी होती है, मॉइस्चर होता है, जिसके कारण क्या है कि वो एक जब उसको टाइल्स को बनाते हैं तो उसमें एक पकड़ अच्छे से हो जाती है, ठीक। तो ये आपका क्या होता है, स्प्रे ड्रायर होता है, हाई कैपेसिटी का स्प्रे ड्रायर है, जिसके द्वारा क्या है कि हम जो उसमें से पानी है उसको हम रिमूव करते हैं और ग्रेन्स रूप में हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से वो ग्रेन्स रूप में छोटे छोटे कण के रूप में, जैसे हल्की सी बारिश होती है, दूर पे जब बारिश पड़ जाती है, यानी बहाव वाला पानी नहीं होता, हल्की सी बूंदें पड़ती हैं और एक धूल पे जब धूल पे पड़ती है तो छोटे छोटे कण के रूप में वो बन जाता है, भुरभुरा टाइप से हो जाता है। उसी तरीके से जब हम एटोमाइजर से या स्प्रे ड्रायर से इसको लाते हैं, उसके बाद जब इसको वो जो पाउडर हमें ग्रेन्स भुरभुरापन प्राप्त होता है, उसमें थोड़ी बहुत नमी रहती है, जिससे उसके क्या है कि एक देख रहे हैं ये एक आकार बन जाता है, इसको हम दबा देते हैं तो एक शेप ले लेता है, आकार ले लेता है। यदि यहाँ पर सूखा पाउडर होता, नहीं सूखा पाउडर होता तो कोई आकार नहीं बनता, यदि सूखा पाउडर होता तो कोई आकार नहीं बनता, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा बहुत नमी रखते हैं। इस नमी को रखने के से हमें क्या होता है कि उसमें ये भुरभुरा पाउडर है, भुरभुरा पाउडर है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पर भर दिया जाता है अच्छे से, जहां पर पाउडर को क्या है भरा गया है, और ये जिसको क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक प्रेस यानी ऑटोमेटिक प्रेस है, ऑटोमेटिक प्रेसिंग मशीन है, प्रेस है, ये पंच है, इसको बोलते हैं हम कैविटी, कैविटी या आप बोल सकते हैं मोल्ड भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं आप, मोल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। ये मोल्ड में इसमें भर दिया जाता है, भरने के बाद क्या है कि जो मोल्ड में भर दिया जाता है, अब इसको क्या किया जाता है, भरने पर क्या होगा, ये भर दिया जाता है, अब ये इसको ये पाउडर है, ये क्या है, ये पाउडर है, जो ग्रेन्स रूप में भुरभुरा टाइप से जो पाउडर मिला था वो इसमें भर दिया जाता है। अब ये जो पाउडर इसमें किसमें भर दिया जाता है, कैविटी में, कैविटी मोल्ड में भर दिया जाता है। अब इसको जब प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, जैसे कि आप देखेंगे दबाने पर क्या है, एक आकार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, ड्रायर, ड्रायर। ये दो तरीके से होता है, टनल, टनल ड्रायर, और ये
क्या होता है, कंटिन्यूअस ड्रायर, कंटिन्यूअस ड्रायर भी होता है इसे बोलते हैं। जहां पर क्या होता है, जब वो टाइल्स बन के आता है, जब टाइल्स बन के आता है तो उसमें यहाँ पर क्या करते हैं, उसको सुखाने का काम करते हैं। क्या किया जाता है, यहाँ पर सुखाया जाता है, इस ड्रायर में क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। ठीक है, सूखने के बाद जब टाइल्स निकलती है तो उस पर ग्लेजिंग किया जाता है। ग्लेजिंग करने के लिए आपको ये बेल मेथड या पोरिंग मेथड यूज किया जाता है, या स्प्रेइंग मेथड यूज किया जाता है, बेल या वाटरफॉल मेथड उसे बोलते हैं, या पोरिंग मेथड यूज किया जाता है, या स्प्रे, कई उसमें से कई विधियां हैं जिसको हम यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ग्लेज तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है, ग्लेज, इसको क्या बोलते हैं, ये ग्लेज बन रहा है। ग्लेज को लेप भी कहते हैं, लेप। मान लिया जाए चिकनापन, जो आप देखते हैं टाइल्स के ऊपर जो चिकनापन रहता है, तो ये उस पर परत चढ़ा दिया जाता है, जिसे बोलते हैं ग्लेज। ग्लेज क्या है, जस्ट लाइक जैसे हाँ आप लोग क्रीम पाउडर यूज करते हैं कि उस पर क्या है, क्रीम पाउडर लगाने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो कमियां हैं वो छिप जाती हैं और देखने में सुंदर होता है। लेकिन यहाँ पर एक काम और हो जाता है, सुंदर तो लगता है, कमी तो छिप जाती है, उसके साथ साथ क्या है कि ये नमी या वातावरण से के प्रभाव से ये सुरक्षा प्रदान करता है, और उसमें ये मजबूती लाने का काम करता है। जो ग्लेज क्या करता है, मजबूती लाने का काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये ग्लेज है, ग्लेज बनकर रेडी हो जाता है। अब जब ये ग्लेज रेडी हो जाता है तो ये टाइल्स है, इस टाइल्स पे उपयोग किया जाता है। ये टाइल्स है, ये क्या है, यहाँ पर ग्लेज, ये देख रहे हैं ग्लेज गिरता रहता है। यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं, ये ग्लेज गिरता रहता है, और ये बेल है, बेल टाइप से है। इसके नीचे से जो टाइल्स से गुजर रही, पास हो रही है, और ये ग्लेज इस पे, इन टाइलों पे गिर रहा है। गिरने से क्या होता है, टाइल्स पे चढ़ जाता है, जो भी जहाँ पर ग्लेज चढ़ाना होता है वो ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है। इसे वाटरफॉल मेथड भी बोलते हैं, वाटरफॉल मेथड, फॉल मेथड बोलते हैं, ग्लेज चढ़ाने की विधि है, या आप इसे बोलते हैं बेल मेथड, यानी घंटी टाइप से, बेल यानी घंटी। आप देख सकते हैं इसका आकार, ये घंटी टाइप से है। ठीक है, ये इसको देख सकते हैं, ये घंटी टाइप से इसका बेल। ये प्रिंटिंग मशीन है, ये आपके है प्रिंटिंग मशीन। अब उसके बाद आता है क्लीन, क्लीन, इस क्लीन को क्या बोलते हैं हम, ये आपका होता है जो भट्टी, भट्टी, भट्टी जहां पर पकाया जाता है, यानी क्लीन जहां पर क्या है, टाइल्स को पकाया जाता है। किसको, टाइल्स को पकाया जाता है, टाइल्स को क्या किया जाता है, वहां पर पकाया जाता है। अब टाइल्स को पकाने के लिए, तो ये जो क्लीन है इसका नाम होता है रोलर हर्थ फर्नेस, ये रोलर हर्थ क्लीन। इसमें ये रोलर लगे होते हैं, हाई टेम्परेचर को सहन करने वाले सिरेमिक के रोलर लगे होते हैं, जो हाई टेम्परेचर को सहन करते हैं। इस पर टाइल्स हमारी चलती रहती है, इसके अंदर का टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, ये कई जोन में डिवाइड होता है, पहले क्या होता है सुखाया जाता है, उसके बाद आगे चलकर उसमें पूरी टोटली नमी होती है वो रिमूव होता है, उसके बाद आगे जाके पकता है। मतलब एक साइकिल होता है, जो कि कितने टाइम में 24 आवर्स भी लग सकते हैं, तो कितना टाइम आपको रखना है, कौन सी टाइप, किस टाइप की आपकी टाइल्स बन रही है, उस हिसाब से उसका टेम्परेचर डिसाइड होता है, कितने समय तक रखना होगा उस एक जोन में। यहाँ से एंट्री करते हैं, वहाँ से फाइनल निकलने में जब बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका हाई टेम्परेचर, इसके अंदर का टेम्परेचर हाई होता है, लगभग 1185 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये अंदर देख रहे हैं, ये पक रहा है। ठीक है, हाई टेम्परेचर का होता है, और हाई टेम्परेचर का होने के साथ साथ क्या है कि ये अच्छे से कई टाइप से एक साथ में कभी कभी टाइल्स पकाने के लिए पॉलिशिंग करेंगे, उसकी ग्राइंडिंग करेंगे, उसके साइज को मेंटेन करेंगे, ये पॉलिशिंग है। ठीक है, यहाँ से क्या किया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है, ये पॉलिश करने वाले वहाँ इक्विपमेंट लगे हुए हैं जहाँ से उसको पॉलिश किया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इसके नीचे टाइल्स जाती रहती है और उस पर ये चलते रहते हैं, जो उस पर पॉलिशिंग का काम करते हैं। यहाँ पर क्या है, दूसरी साइड में क्या है, इसको साइज को मेंटेन किया जाता है, साइज को जितना साइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, साइज को मेंटेन किया जाता है।